आ गया। लेकिन अब ये नंद बाबा, मैया जसोदा, ब्रिजवान महाराज, कृतिका सुंदरी, श्रीमती राधा रानी, ललिता विशाखा, रूप मंजरी, रति मंजरी और जितने ताम वसुधाम इंद्र, इनको भी अपना प्रजा समझता है। देखो कितना अभिमान इसका इंद्र का, जो मैं स्वयं नंद बाबा का जहाँ स्वयं ज्योति धारण करता हूँ, जहाँ पर मैया जसोदा मेरे कान को ऐंट देती है, जहाँ पर मैं स्वयं ब्रज गोपियों के पास में स्वयं ऋणी मान करके नपार है अहम निरबद्ध संजुजाम अजत किंकर इस बहुत सा खलुका सुबाई। जब राधा जी का तो बात छोड़ दो, राधा जी का सखियों का चरण में भी मैं गिड़गिड़ाता हूँ, लेकिन आज इंद्र का इतना अभिमान, इंद्र पद मैंने बामन अवतार में इंद्र को मैंने ये इंद्र पद दिया है। ये मेरा इंद्र तो मेरा एक विभूति मात्र इंद्र है, ये तो मेरा एक विभूति है, लेकिन अभी इंद्र का यह अभिमान हो गया, ये सारे ब्रजवासियों का मैं मालिक हूँ और ये सारे प्रजा है, इतना घमंड है, इसलिए इसका घमंड को उतारना पड़ेगा, इतना अभिमान को चूर्ण करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण यह सोच करके उन्होंने कहा ऐसे बात नहीं हो सकता है जो कि ये पूजा करेंगे इंद्र को, लेकिन ये जो गिरिराज गोवर्धन कौन है, ये मुख्य था कृष्ण चंद्र को ये गिरिराज गोवर्धन की श्रेष्ठत्व स्थापन करने के लिए। कल हम लोगों ने श्रवण कर रहे थे गिरिराज का महिमा, इनका बहुत सारी स्वरूप है, एक स्वरूप में तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या किया राधा कृष्ण के, तब राधा कृष्ण जब संतुष्ट हो गए बोले क्या चाहते हो, कहते प्रभु आपका चरण की हम सेवा चाहते हैं, कृपा करके आपको ऊपर में हमारा ऊपर में आप लीला कीजिए। इसलिए स्वयं शंकर जी नंदीश्वर रूप में वो स्वयं नंदीश्वर बन करके नंदगांव बन गए, स्वयं ब्रह्मा स्वयं ब्रह्माचल बन करके स्वयं बरसाना बने, और ये गिरिराज कौन है, कहते ये स्वयं विष्णु है, ये विष्णु स्वयं गिरिराज रूप धारण करे, केवल एक स्वरूप विष्णु नहीं, ये और एक स्वरूप में स्वयं ये कृष्ण है। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को ये गिरिराज शिला देकर कहते क्या बोलते हैं, कहते गिरिराज है रघुनाथ, ये गिरिराज कृष्ण है, और गुंजावाला कहते ये स्वयं श्रीमती राधा रानी। इसलिए गिरिराज कौन हो गए, ये स्वयं कृष्ण चंद्र हुए, स्वयं कृष्ण चंद्र, और तीसरे स्वरूप में ये हरिदास वर्ज्य है। कल हम लोगों ने श्रवण कर रहे थे कितना श्रेष्ठ भक्त है, इतना नहीं ये हरिदासी भी है महाराज ने बताए। इसलिए अभी कृष्ण चंद्र को ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा को स्थापन करनी है। ये गिरिराज है क्या जी, देखो जिनको स्वयं मैं स्वयं पूजता हूँ, और ये गिरिराज क्या है, सर्व अभीष्ट प्रदाता, सारे इच्छा पूरी करने वाले ये गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए जिस समय कृष्ण सभी ब्रजवासियों को ऐसे उन्होंने चुक्ति तर्क और ऐसे बताए, सारे ब्रजवासियों का दिमाग घूम गया और सारे को सारे ये गिरिराज गोवर्धन की उन लोगों ने पूजा की। स्वयं एक स्वरूप में कृष्ण स्वयं खड़े हुए और दूसरे स्वरूप में कृष्ण स्वयं गिरिराज का स्वयं रूप धारण किए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया लाला ये तो गिरिराज देखने में तेरे जैसे है, तू थोड़ा नाटा सा छोटा सा और ये गिरिराज तो एक विशाल है, केवल इतना ही फर्क है लेकिन तो देखने में तेरे जैसे, क्योंकि जिस समय कृष्ण उनको आचमन दे करेगे और उन्होंने इदम महाप्रसादम श्री गिरिराजाय नमः बोल करके जब गिरिराज महाराज को अर्पण किए, सभी ब्रजवासियों ने देखा विशाल स्वरूप गिरिराज धारण किया, विशाल रूप धारण करके और जो कुछ यहाँ पर 365 गांव के भोग प्रसाद लाए थे, लड्डू कचड़ी पूरी और पाता सब तरह तरह का, इतने में हमारे गिरिराज गोवर्धन हाथ पसार पसार करके जितने दिया था सब हाथ पसार पसार करके गिरिराज सब कुछ ग्रहण करने लगे, और मिनट में जितना दिया था सबके सब गिरिराज गोवर्धन ग्रहण कर लिया, और लास्ट में बोले आनो रे आनो रे आनो रे आनो रे और लाओ और लाओ। ब्रजवासियों ने कहा प्रभु आपको हम इतना ही से आप तृप्त रहिए, लास्ट में तुलसी दल जब प्रदान किया भगवान गिरिराज गोवर्धन तुलसी दल को लेकर के तृप्त हो गए, इसलिए ये गांव का नाम पड़ गया आनोर ग्राम है, इसका नाम शंकर सुन कुंड है। जिस समय राधा कृष्ण हमारे आनंद वृंदावन चंपू में कभी कर्णपुर वर्णना किया, जिस समय राधा कुंड में राधा और कृष्ण गोपियों के साथ में होली खेल रहे थे, और होली खेलते खेलते वहाँ पर दो यहाँ पर मधुमंगल और ललिता में लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हुई, ललिता बोल रही है मेरे राधा रानी राग रागिणी में सर्वश्रेष्ठ है, मधुमंगल बोले राधा रानी क्या जानती है हमारा कन्हैया राग रागिणी में श्रेष्ठ है, कहते परीक्षा हो। इतने में श्याम सुंदर कृष्ण चंद्र उन्होंने
वहां से मधु चरने लग गया। इतने में मधु मंगल तो ताली बजाने लग गया, मेरे कृष्ण चित गए। इतने में राधा रानी जब राग गाई, राग गाने पर कहते जो स्थावर है, जहां पर्वत था द्रवीभूत होकर पहाड़ी बन गया, और जहां पर समतल था वो वहां पर पर्वत बन गया। राधा रानी जब राग गाई, इतने में ललिता भी सका ताली बजाए। अभी दोनों में अभी ललिता बोल रहे मेरे राधा जी जीत गई, और मधुमंगल बोल रहे कृष्ण जीत गए। ऐसे करते करते इतने में शंखचूड़ जब वहीं पर आया, आकर के गोपियों को एक तरफ में भगाते हुए ले जा रहा था। लेने पर यहीं पर जब उनको खदड़ते हुए कृष्ण लाए, बलदेव प्रभु को रख करके यहीं पर श्री शंकर ये शंखचूड़ दत्त को एक तमाचा मारे, एक तमाचा से वाह जय सियाराम कर दिए, और उसको सिर पर जो समंत का मणि था वो मणि को उन्होंने ग्रहण कर लिया। ग्रहण करके अभी जो महाराज बता रहे थे उन्होंने दिया बलदेव प्रभु, फिर बलदेव प्रभु ने फेर दिया हमारे कुंदलता को। ऐसे करते करते श्रीमती राधा रानी को पास में ये फिर समंतक मणि जाता है, और यही समंतक मणि राधा रानी जब कृष्ण विरह में यमुना में प्रवेश की, गोपाल कृष्ण महाराज की जय।